हर हर महादेव। संगीत जगत में अनेक गायक हुए हैं, लता मंगेशकर जी, मोहम्मद रफ़ी साहब, किशोर कुमार जी, मन्ना डे जी, बहुत से ऐसे गायक हुए हैं, पंडित भीमसेन जोशी जी, रविशंकर जी, सब अच्छे अच्छे गायक हमारे भारत में संगीत को दिया है और संगीत की इन्होंने बहुत साधना भी की है। किंतु साधना के साथ में कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जिनका प्रबल होना भी अति आवश्यक होता है। ये जो नए गायक आते हैं उनके लिए मैं ये जानकारी विशेष रूप से लाया हूँ। द्वितीय भाव वाणी का होता है और तृतीय भाव होता है हमारे स्वर भाव का। तो वाणी और स्वर जब मिलते हैं फिर अभ्यास हम करते हैं। देखिए, अभ्यास की अति आवश्यकता होती है संगीत में या किसी भी शिक्षा में। तो आपको क्या करना है, अपने गुरु ग्रह को भी प्रबल करना है और साथ में शुक्र रस, जो शुक्र ग्रह है तो वह रस का कारक होता है, वाणी में रस पैदा हो, मिठास हो, इसलिए आपको शुक्र को भी प्रबल करना होता है और आपकी वाणी एक प्रभावशाली बने इसके लिए आपको बुध को भी प्रबल करना होता है। इन सभी ग्रहों को जब आप प्रबल करते हैं, शक्तिशाली बनाते हैं, इनको प्रसन्न करते रहते हैं, तब आप एक संगीत के उत्तम गायक बन सकते हैं। प्रश्न ये है कि जिनका अगर ये ना हो तो उत्तम गायक कैसे बने और संगीत में उनकी बहुत अच्छी रुचि हो तो क्या करें। इसके लिए आपको महादेव की पूजन करनी पड़ेगी, सरस्वती की साधना करनी पड़ेगी और आपको नित्य ही अभ्यास करना पड़ेगा। ग्रहों का भी इसमें बहुत ही योग होता है, ग्रहों को भी इसमें देखना पड़ता है, इसलिए आप गुरु ग्रह को, शुक्र ग्रह को और जो द्वितीय भाव और तृतीय भाव है उन ग्रहों को आपको सही करना है और संगीत में उत्तम बनने के लिए आपको निरंतर अभ्यास करते रहना है। सारे गम पद निरताम च धारयंती सुवीणा, धागिन तिनक संगे वादयंती सुतालम, छननन छननन नित्यन्ति देवकन्या, सा सरस्वती मम जिह्वाग्रे तिष्ठन्तु सर्वकालम। ये मंत्र भी आप उच्चारण करके सरस्वती जी की वंदना कर सकते हैं, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, इस मंत्र को भी आप, इस श्लोक, इस ध्यान की स्तुति को भी आप नित्य ही कर सकते हैं। संगीत के साधनों को भी आप पूजन में नित्य लेवें, उनका भी नमस्कार करें और संगीत के जो साधक हैं नित्य रियाज करें। ओम का उच्चारण सबसे महत्वपूर्ण माना गया है संगीत साधना में, इसलिए ओम का और प्राणायाम का अवश्य प्रयोग करें। प्राणायाम के अंदर भी आपको नियमित रूप से और अच्छे ढंग से आपको प्राणायाम करना है ताकि आपको आपकी श्वास का जो विस्तार है वो बढ़ सके। और संगीत में श्वास का ही खेल होता है सारा, इसलिए श्वास को भी जीतें। और संगीत साधकों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, संगीत साधकों को बहुत बहुत ही शुभकामनाएं मैं प्रदान करता हूं। संगीत में यदि किसी की रुचि हो तो इस प्रकार के प्रयोग करके देख लें और मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखें। आगे इसी प्रकार की जानकारी मैं आप सभी को बताता रहूँगा जो शास्त्र सम्मत होता है। आप सभी को इस प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा और जो भी प्रश्न हो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हर हर महादेव।